I'm a survivor. Doesn't matter what you did, what you were. You go out there, you fight. You fight to kill. हेलो गाइस, वेलकम टू द एज मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के एक कैरेक्टर के बारे में, हैमडाइल। आप सभी जानते हैं कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के कुछ इवेंट्स ऐसे हुए थे जैसा कि एकदम अचानक वाले, और काफी सारे इवेंट के साथ साथ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हैमडाइल सबसे पहली मौत थी बड़े कैरेक्टरों में, और हैमडाइल ऐसे मारा गया जैसे कि किसी हाथी ने एक चींटी के ऊपर पैर रख दिया हो। मुझे उम्मीद थी कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ये कैरेक्टर पूरे एंड तक साथ देगा एवेंजर्स का, बट ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहली मौत और अचानक की मौत काफी शॉकिंग थी। और देन थॉर रैग्नारोक और थॉर मूवीज में हमने देखा कि हैमडाइल में काफी पावर है, और देन वो सब कुछ देख सकता है, और उसकी जो तलवार है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इतनी जल्दी मारा जाना हैमडाइल का, वो मुझे सही नहीं लगा। बट अभी हाल ही में एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ये पता चला एवेंजर 4 में कि वो रिटर्न होगा, यानी कि एड्रेस वो रिटर्न आ रहे हैं। उन्होंने एक हिंट दी कि स्पॉइलर अलर्ट, गोना मिस यू गाय हैमडाइल। तो ये काफी बड़ी बात है, उन्होंने इस तरीके का एक हमें ईस्टर एग दिया अपकमिंग एवेंजर 4 के लिए, और पॉसिबली रिटर्न हो सकते हैं हैमडाइल। तो आपको क्या उम्मीद है इस कैरेक्टर से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये एवेंजर 4 में रिटर्न होने के बाद कितनी तबाही मचा सकता है अपनी तलवार से। और देन अभी हाल ही में ये पता चला है कि ये जेम्स बॉन्ड के लिए कास्ट करे जाएंगे, जो कि एक परफेक्ट कास्ट मानी जा रही है ब्लैक में। आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर से कि ये जेम्स बॉन्ड में कितना ज्यादा हिट होगा, जैसे कि पहले डेनियल हिट हुए थे। तो गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में हर चीज के बारे में जरूर बताना अपने विचार भी। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर हैमडाइल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।